नमस्कार, यह रेसिपी वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि इस रेसिपी वीडियो में हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मूंग दाल की कचौरी। जी हाँ, मूंग दाल की कचौरी को आप कभी भी और किसी भी समय पर बनाकर खा सकते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मूंग की दाल की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कप मूंग की दाल को पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद रात भर के लिए भिगा लिया था। आप चाहें तो इसे 7 से 8 घंटे तक भी पानी में भिगा कर रख सकते हैं। इसके बाद हमने दाल के पानी को निकाल कर फेंक दिया है और अब हम इस मूंग की दाल को एक ग्राइंडर में डालेंगे। ग्राइंडर में भीगी हुई मूंग की दाल को डालने के बाद हम इसे ढक्कन लगाकर दरदरा ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ब्लेंड करने के बाद मूंग की दाल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल रहे हैं। दरदरा पीसने से कचौरी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये देखिए, हमने इसे बाउल में निकाल कर रख लिया है। अब इसे एक तरफ रखेंगे और अब हम कचौरी के लिए भुना मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक तवे को आंच पर रखा है, उसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 लौंग की कलियां, 4 से 5 काली मिर्च, 2 छोटे चम्मच सौंफ डालकर हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। और हमने भुना मसाला बनाने के लिए इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सुगंध आती है और ये हल्का सा भूरा हो जाता है। ये देखिए, भूरा हो चुका है मसाला। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसे कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम इसे पीसने से पहले इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसे ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए, भुना मसाला बनकर तैयार है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे, उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, उसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, 7 से 8 सेकंड के लिए। इसके बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 छोटे चम्मच भुने मसाले के डालेंगे। साथ ही इसमें 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर भी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और अब हम इसमें जो ब्लेंड की हुई दरदरी पीसी हुई दाल हम इसमें डालकर अच्छी तरह मिलाएंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। ये दाल थोड़ी कढ़ाई में नीचे चिपकने लगती है, इसलिए इसे धीमी आंच पर चलाते रहें। इसके बाद हमने 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और दाल को सुनहरी भूरी होने तक अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए, स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। इस मसाले को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। कढ़ाई को आंच पर रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, उसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 1/2 छोटा चम्मच नमक और 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे मोयन के लिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी सामग्रियों को।
मैदे में मोइन की मात्रा कितनी रखी जाए इसके लिए आप इसे अपने हाथ में लें। अगर आप एक लोई बना पाते हैं बिना पानी डाले तो आटे में तेल की मात्रा पर्याप्त है। अब हम इस आटे को पानी डालकर अच्छी तरह से गूंध लेंगे और इसका एक स्टिफ डो तैयार करेंगे। सख्त आटा गूंदना है जैसे हम पूरी के लिए गूंदते हैं। ये देखिए आटा हमने तैयार करके रख लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे भागों में बांटेंगे और इसकी 6 से 7 छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बॉल्स बन गई हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे छोटा सा और इसे फैला लेंगे अपनी उंगलियों की सहायता से। आप चाहें तो चकले बेलन से भी इसे बेल सकते हैं। फैलाते समय ध्यान रखना है कि बीच से तो ये मोटी होनी चाहिए और किनारों से पतली रखना है। अब हम इसमें जो स्टफिंग हमने तैयार करी थी मूंग की दाल की उसे भर लेंगे अच्छी तरह से। मिश्रण को दबा दबा के भरेंगे। किनारों को इकट्ठा करेंगे और इसे फिर से एक गोल आकार दे देंगे। इसे हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि जो भी हमने जो किनारे मोड़ के इकट्ठे किए थे वो खुले ना। ये देखिए कचौरी हमने तैयार कर लिया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम गर्म तेल में इस कचौरी को तलने के लिए डाल देंगे। कचौरी को फ्राई करते समय उलटते पलटते रहना है। एक साइड से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की कचौरियों को भी बनाकर तैयार करेंगे। किनारे से पतला रखेंगे और बीच से मोटा। इसमें दबा दबा के स्टफिंग भरेंगे। फिर से किनारों को इकट्ठा करेंगे। और इसका एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। हल्के हाथों से दबा देंगे, चपटा कर देंगे और इसे भी गरम तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। दूसरी कचौरी को पलट लेते हैं। हमने कचौरियों को सुनहरी रंगत हो जाने तक फ्राई करना है। इस दौरान हमें कचौरियों को उलटते पलटते रहना है। पहली वाली कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है इसलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी की कचौरियों को भी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। मूंग की दाल की कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे चटनी के साथ परोसें जैसे कि इमली की चटनी, हरी चटनी। हमने और भी कई तरह की कचौरी की रेसिपियाँ बना रखी हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग उस लिंक में जाकर वो रेसिपी देख सकते हैं। आप सभी के लिए खुशखबरी है, अगर आप हमारी रेसिपी वीडियो में दिखाई गई रसोई में इस्तेमाल होने वाले किसी भी सामान को ख़रीदना चाहते हैं तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पर जाकर वहाँ से उस सामान को ख़रीद सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और रेसिपी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपको हमारी रेसिपी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। रेसिपी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।